टिल वैमडो, ये यहाँ पे इन्होंने ट्रेल बनाई है और इसका रास्ता बता रखा है विक्स। अच्छा, यानी हॉर्सेस के चले। हाँ यार, मुझे भी ऐसे लग रहा है, लेकिन ये एक ही जगह पे चार कैसे हो गए? ये तो ऐसे आ गए। ओ वाह जी, है ना, ये तो एक कीड़ा भी लग रहा है मुझे। चलो सही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं यार आप लोग? तो भाई आज जैसे कि इतवार के दिन लोग करें आराम, और अगर हम भी आराम ही कर लेंगे तो यार व्लॉग कब बनाएंगे? तो चले फिर चलते हैं, एक इंटरेस्टिंग सा कोई एडवेंचर सा कुछ सीन करते हैं। और मैंने अभी एक जगह निकाली यहाँ पे, इसको कहते हैं खेविक्स ग्रोता, यहाँ पर है। तो चल के करीब से देखते हैं वो है क्या असल। ओके, तो व्लॉग में मेरे साथ रहिएगा यार। ये सीन चेक करें, वेदर चेक करें, चलते हैं इसको करीब से देखते हैं। रक्षा ने कुछ थिल वैमडो, ये यहाँ पे इन्होंने ट्रेल बनाई है और इसका रास्ता बता रखा है विक्स ग्रोता के नाम से है ये जगह। तो चलते हैं अंदर, ये देखें सारी ट्रेल बनी हुई है। थोड़ा सा यहाँ पे कीचड़ है, एक छोटी सी टनल है, ये देखें किस तरह काट के बनाई हुई है। जो इंस्ट्रक्शन लिखी है इसी तरह फॉलो करते हैं और अपना रास्ता ढूंढते हैं। तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, मेरे साथ मेरा बेटा भी है। और अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मुजम्मिल सिद्दीकी और आज हम खेविक्स ग्रोता चल रहे हैं। तो चलते हैं। चले भाई, कुछ ये नेक्स्ट लेवल का करने वाले हैं। हमने सोचा साथ चलते हैं, स्पेंड करते हैं ज़रा टाइम, एक से दो जाएंगे। ऐसे मुजम्मिल, ये येलो डॉट्स कैसे हैं यार? ये येलो डॉट्स है कि ट्रेल को फॉलो करें, कि जो पूरे जो प्लांट्स हैं उन पे नहीं चढ़ेंगे। रास्ता बना, ये बेस्ट है कि आप इस रास्ते को ही फॉलो करें। अगर आप ये प्लांट्स वगैरह ग्रास पे चलेंगे तो एक तो ये जाहिर है ये नेचुरल इनकी जो ब्यूटी है वो भी डिस्ट्रॉय होगी। ये देखे क्या है? हाँ बेटा, कुछ स्टेप्स हैं, ये मुझे तो उसके लग रहे हैं। किसके लग रहे हैं आपको? मुझे लग रहे घोड़े के हैं। अच्छा, यानी हॉर्सेस के चले। हाँ यार, मुझे भी ऐसे लग रहा है, लेकिन ये एक ही जगह पे चार कैसे हो गए? एक से ज़्यादा गुजरे होंगे। तो बस यही मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे दरअसल ये नेचर रिजर्व है। इसका मकसद ही ये है कि जो एनिमल्स हैं, इसकी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, इनको प्रोटेक्ट करना, इनको कुछ ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना कि ये वहाँ पर पीसफुली रह सकें और अपनी ब्रीडिंग वगैरह कर सकें। ये अच्छा खासा घना जंगल है और हम कुछ ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। ये छोटी सी ट्रेल भी है, उसके साथ साथ हाइक भी है यहाँ पर। ये तो ऐसे आ गए। ओ वाह जी, है ना। ओ चलिए, आई हम लोग आ गए। हो सकता है इनके जो ओनर वो पीछे से आ रहे हो। हे हे, अच्छा मुजम्मिल क्या समझते हो? मुझे लग रहा है ये जो इधर से जो रास्ता है ना, ये नीचे की तरफ जा रहा है और वो हमारे जो लेफ्ट पर है वहाँ से ऊपर की तरफ है, थोड़ा हिली है। तो क्या करें, इसी तरह ट्रेल फॉलो करते हुए ऊपर चलें या बीच में ये जो एक शॉर्टकट दिख रहा है मुझे इसको फॉलो करें? क्या कहते हो? शॉर्टकट को फॉलो करते हैं, मुझे लग रहा है ये कोई एग्जिट का रास्ता है। एग्जिट भी हो सकता है, चलिए हम लोग इसको फॉलो करते हैं। ये देखें आप, यहाँ मशरूम्स, ये देखें ये एक मशरूम है और एक ये देखें ये कितना ब्यूटीफुल है। अच्छा मशरूम, मुजम्मिल सारे मशरूम्स को हम यूज कर सकते हैं, उसको खा सकते हैं या नहीं? उस वाले को जो ब्राउन वाले को, हाँ। उसको खा सकते हैं, लेकिन यहाँ रेड वाले भी होते जिन पे व्हाइट पोके डॉट्स होते, ओके। उनको नहीं खा सकते, वो पॉइजनस होते। ओके, एक इंफॉर्मेशन भी हमें रखनी होती है, सारे मशरूम्स खाने के लिए पॉइजनस होते। जिस तरह कहता ना आपको, ये रास्ता चढ़ा ऊपर की तरफ, हम अच्छा खासा ऊपर आ गए। तो ये थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन है, यहाँ से करते हैं। देखें देखें यहाँ ब्लूबेरीज हैं, ब्लूबेरीज लगे हुए, इनको खा सकते हैं। ये देखें ब्लूबेरीज, इनको खा सकते हैं। लेकिन आपने नोटिस किया मुजम्मिल को कि इन्होंने देखा ब्लूबेरीज और ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने जस्ट उसको देखते तोड़ना शुरू कर दिया। अगर हमें खाना है, यूज करना है, तो हम उसको तोड़ेंगे, वरना हम उसको इसी तरह रहने देंगे। यहाँ भी सारी ब्लूबेरीज हैं, ये देखो
ये देखें ब्लूबेरी। अच्छा जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा यहाँ धुआं सा लग रहा है, लेकिन हो सकता है आपको कैमरे में फील ना हो रहा हो। हाँ मुजम्मिल, तुम क्या समझते हो कौन सा भी तुम्हें लग रहा है कि वो पीक पे चलेगा? मुझे लग रहा है ये रास्ता पीक पे चलेगा, इसलिए कि ये और ऊंचे। हाँ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वो उस तरह का स्टोनी सा लग रहा है ना, तो हार्ड सा, तो आई थिंक यही बेस्ट होगा। चलो ऊपर देखते हैं। यहाँ मशरूम्स लग रहे हैं बहुत सारे। ओके ये देखिए, ये रास्ते में ये मशरूम है, इसी तरह ये डिफरेंट मशरूम्स है जो आपको येलो येलो दिख रहे हैं। या ये भी रेड बेरीज है, ये रेड बेरीज उनको भी खा सकते हैं। लेकिन एक और भी रेड बेरीज होते हैं जिनको नहीं खा सकते, लेकिन वो ट्रीज में लगे हुए होते हैं। ओके ये लग रहा है पीक पे अच्छा खासा आ गए मुजम्मिल। आई थिंक वो जो लेफ्ट पे वो टॉप एंड लग रहा है टॉप। यस तो वहीं चलते। ओके ये वाले पॉइजनस वाले हैं जो रेड, उनपे डॉट्स बने हुए, ये पॉइजनस वाले हैं। यार इस पे तो एक कीड़ा भी लग रहा है मुझे। चलो सही है, वह इसका ख्याल करेंगे। ब्यूटीफुल, ये देखिए यहाँ से बस स्ट्रेट पे नीचे है यार, वही बहुत डर लग रहा है, इसको ज़्यादा करीब नहीं जा सकते। ये देखिए वही, ये देखिए ओश। तो करते हैं कुछ अपनी प्रिपरेशन, करते हैं फूड की क्या खबर है जी। चलो अभी बॉयल हो गया और करते हैं यार ये मैक एंड चीज। हाँ नूडल्स है मुझे, चलो यार जबरदस्त भूख लग गया। चलो मैं इसको करता हूँ। तो ये देख रहे हैं ये है मैक एंड चीज़, तो इसमें चीज़ है, आई थिंक परमिजान चीज़ है और नूडल्स हैं। तो टेस्ट करते हैं इसको यार कैसा रहता है। 5 मिनट इसको छोड़ता हूँ मैं, गर्म पानी डाला है तो ये थोड़ा सा ये पक जाए इसके अंदर। यार देखो मच्छर भी आ रहा है मुझे इसके अंदर, तो ये डंगी वाला मच्छर तो नहीं है। जैसे कि इसमें चीज़ है तो ये डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगेगा, अच्छा खासा हैवी फूड है, आउटडोर फूड से आई थिंक इसी टाइप की चीज़ें प्रिपेयर की जाती हैं। तो ये हमारी एनर्जी को भी रिटेन रखेगा देर तक। सुस्ती ख़त्म करते हैं अपने अंदर। पापा साथ में बिस्किट भी खाते हैं। ओके बेटा ले आओ। चले भाई यहाँ सनसेट भी हो गया, तो आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं और घर चलते हैं। तो मुजम्मिल आज का दिन कैसा रहा आपका? नेक्स्ट लेवल का एडवेंचर हुआ। और रियली तो अगर नेक्स्ट लेवल का हो गया तो फिर आप हमारे व्यूअर्स को क्या मशवरा देंगे? ये सब्सक्राइब कर ले और प्लीज नोटिफिकेशन का बेल, यस बेल आइकन को प्रेस कर ले। ओके तो भाई मुजम्मिल की आप बात जरूर सुन लीजिए यार काइंडली। तो मिलते हैं फिर किसी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आइए इसको स्क्रैप में फेंक देंगे हम लोग कप को।